परिच्छेद के नवनियुक्त पुलिस उप महानिरीक्षक ने संभाला कार्यभार। जी आपको बता दें कि आज वाराणसी परिच्छेद के नवगत पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह ने जयदेश न्यूज से खास बातचीत की। वहीं उन्होंने बताया कि अपराध पर नियंत्रण और अपराधियों के खिलाफ सख्ती हमारी प्राथमिकता होगी। वहीं परिच्छेद की जिलों में इस समय जो शीतकालीन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उस पर हम अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करेंगे। बनारस से लेकर बलिया तक कहीं भी नागरिक जब चले तो उनको यह एहसास हो कि पूरा क्षेत्र अपराध से मुक्त है और लोग भयमुक्त वातावरण में विचरण कर सकते हैं। पुलिस और जनता के संबंध अच्छे रहे, अपराधी पुलिस से डरे और जनता पुलिस को अपना मित्र समझे, यह हमारी प्रमुख उद्देश्य है। वहीं पुलिस के लोगों को यह निर्देश है कि जब भी कोई पीड़ित फरियाद लेकर थाने में जाए या पुलिस अधिकारी के पास आए तो उसे यह एहसास हो कि पुलिस उसकी मित्र है। अगर उनके परिजनों के साथ किसी प्रकार की घटना होती है तो इस चीज को हमेशा पुलिस कर्मियों को दिमाग में रखना होगा कि जनता को जल्द से जल्द न्याय मिले। जो जिस स्तर पे पुलिस विभाग में नियुक्त है, मेरी अपेक्षा है कि उसे अपने कर्तव्य की पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अनुपालन करना होगा। वहीं काशी के लोगों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि यह जीवंत नगरी है जिस पे पूरी दुनिया में काशी का नाम है। उसी के अनुरूप भय मुक्त वातावरण में लोग दर्शन पूजन और धार्मिक क्रियाकलापों को अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले अपने परिक्षेत्र के सभी जनपद के निवासियों को गणतंत्र आगामी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और अपराध नियंत्रण हमारा प्रथम उद्देश्य है। जनपदों में इस समय जो शीतकालीन अपराध होते हैं उस पर हम अभियान चला करके और उस पर कार्रवाई कराएंगे और बनारस से लेकर के बलिया तक कहीं भी जो हमारे नागरिक जो चलें तो उनको एक एहसास हो कि पूरे सभी जनपदों में अपराधियों से मुक्त क्षेत्र है और भयमुक्त वातावरण में वो विचरण कर सकते हैं। पुलिस और पब्लिक का रिलेशन अच्छा रहे, अपराधी डरे पुलिस से और जनता अपना मित्र समझे पुलिस को, यही हमारा उद्देश्य रहता है। और समस्त पुलिस के लोगों का मेरा यह निर्देश रहता है कि जब भी कोई पीड़ित थाने में या उनके पास किसी पुलिस अधिकारी के पास आए तो यह एहसास कर ले कि अगर उनके परिजन के साथ इस प्रकार की पीड़ा या घटना होती तो वो किस प्रकार की पुलिसिंग की अपेक्षा करते हैं। अगर इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे तो निश्चित रूप से जनता को न्याय दे सकेंगे। और जो जिस भी स्तर पर पुलिस विभाग में नियुक्त है, मैं अपेक्षा करूंगा कि कोई भी पीड़ित कभी भी अगर आता है तो उसको एहसास हो कि हम पुलिस के पास जाने से उसकी समस्या का निदान हुआ है। काशीवासियों को मेरा संदेश है कि भयमुक्त वातावरण में जैसे काशी नगरी अपनी जीवंतता के लिए जानी जाती है, उसी तरीके से सभी लोग भयमुक्त वातावरण में रहें और दर्शन करें और काशी में जो लोग आए उनको इस बात का एहसास हो, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं तो उनको वो एक यहाँ से एक एहसास लेकर के जाएं कि यहाँ पे पुलिसिंग बहुत ही अच्छी है। गणतंत्र दिवस पे जनता को आगामी गणतंत्र दिवस की मैंने कहा हमारे परिक्षेत्र की सभी जनता को शुभकामनाएं। और संविधान चूंकि इस दिन लागू हुआ था तो सभी लोग संविधान में जो जनता के लिए कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं उसकी भी जानकारी रखें और जो मौलिक अधिकारों का प्रोविजन है उसका भी ध्यान रखें। न केवल अपने अधिकारों के लिए सजग रहें बल्कि उनका जो कर्तव्य है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उसको भी ध्यान में रखें और उसको करें।